हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं आर्क सर्वाइवल इवॉल्व। तो जैसे कि आप सभी ने हमारा पिछला एपिसोड में देखा होगा कि हम लोगों ने लगभग 5 डिलोफोसॉरस की आर्मी को बनाया एंड उसके बाद हम लोगों ने एक इच्छितोसॉरस को भी टेम किया था। बट आज अपना प्लान है, सबसे पहले तो अपने को जो है ना मेटल्स के टूल्स बनाने हैं एंड उसके बाद अपने को मेटल का आर्मर भी बनाना है। तो उसको बनाने के लिए मेरे को तो सबसे पहले फर्नेस बनाना पड़ेगा, फर्नेस के साथ साथ अपने को स्पीति भी बनाना होगा। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि सबसे पहले तो हम लोग जो है ना फर्नेस बनाएंगे, उसके बाद हम लोग स्पीति बनाएंगे एंड फिर जो है ना हम लोग मेटल लेने के लिए निकलने वाले। थोड़ा सा पता नहीं किधर, जहाँ भी अपने को मेटल मिलेगा वहाँ हम लोग जाएंगे। बट अभी मेरे को स्पीति बनाने के लिए थोड़ा सा हाइट वगैरह चाहिए, तो मैंने डिसाइड करा यहाँ पे हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा अपने को एक सार्को वगैरह मिलेगा तो हम लोग सार्को वगैरह को मार के काफ़ी ज़्यादा हाइट अपने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे यार अपने को एक ब्रोंडोसॉरस दिखा, मैंने कहा क्यों ना यार आज जो है ना हम लोग थोड़ा सा बड़ा डाइनोस को हंट करते हैं। तो यार यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा मेरे को एरोज वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी इस ब्रोंडोसॉरस को मारने के लिए, क्योंकि मेरे को अभी इसका लेवल नहीं पता। लेवल पता चलेगा फिर हम लोग उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे कि कितना एरोज अपने को चाहिए होंगे। बट मैं जितना एरोज यहाँ पे बना सकता हूँ मैं बना लेता हूँ अपने के लिए। तो अभी यार थोड़े से एरोज के मुझे लगता है कमी पड़ेगी, लगभग मेरे पास 30 एरोज है एंड इतने में तो लगभग 25 लेवल का ब्रोंडोसॉरस को अपन लोग इजीली मार देंगे। तो चलो यार हम लोग ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाए। सबसे पहले तो मैं इसका लेवल चेकआउट करता हूँ। ओके, सो ये 10 लेवल का है एंड इतने एरोज में तो हम इसको मिलाकर एक दो ब्रोंडोसॉरस को इजीली मार देंगे। बट यार अगर मैं यहाँ पे से इसको एरोज मारूंगा तो ये अपने ऊपर डेफिनेटली अटैक करेगा, तो हमें यार कुछ और तरीका देखना पड़ेगा इसको मारने के लिए। मैं सोचता हूँ यहाँ पे से अगर हम लोग मारेंगे तो वो अगर सीधा स्ट्रेट मेरी तरफ आया तो यहाँ पे से ऊपर तो नहीं चढ़ पाएगा। तो मैंने डिसाइड करा चलो यार यहाँ पे से हम लोग एक हवा में तीर मारते हैं, देखते हैं उसमें लगता है या नहीं लगता। हाँ आई थिंक यार उसमें नहीं लगा, चलो एक और ट्राई करता हूँ। हाँ ये भी नहीं लगा, तो बस यार लास्ट ट्राई है, देखते हैं अगर लगता है तो ठीक है, नहीं तो यार मेरे को पास जाके मारना पड़ेगा। ओके सो फाइनली गाइस यहाँ पे लगा। मैं ऐसे करता हूँ ना थोड़ा सा और आगे आ जाता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है वहाँ पे से वो ऊपर इजीली चढ़ जाएगा। नहीं आने लगा है, थोड़ा सा ऐसे करता हूँ ना इस पत्थर के ऊपर चढ़ के मारेंगे अपन लोग। तो भाई आ गया मैं इसके ऊपर, बट मुझे लगता है मैं यहाँ पे से इसको इजीली मार सकता हूँ एंड अब तो मैं सिर्फ इसके हेड में मारूंगा। एंड मुझे नहीं पता कितने एरोस में लगेगा, लगभग 15 या 20 एरोस तो लगेंगे इसको। भाई इसने मुंह छुपा दिया, बोला भाई ले मेरे मुंह में मार रहा है मैं मुंह छुपा दूंगा। ये फट भागने लगा बट ये भाग नहीं पाएगा ये, क्योंकि 4-5 पत्थरों के बीच में फंस चुका है। ना बाबा ना, अब नहीं भाग पाएगा। तो चलो यार फटाफट से इसको किल करते हैं। बस यार अपने को ना कम से कम काफी हाइट चाहिए। ओके अबे भाई उड़ के कहाँ भाग गया ये। अरे यार अब इसकी मेरे को ना बॉडी ढूंढने जाना पड़ेगा, तो चलो यार फटाफट से इसकी बॉडी ढूंढ के आते हैं। मुझे नहीं पता इसका ओके यहीं पे तो है। चलो इसको फटाफट से मैं हार्वेस्ट करता हूँ एंड आई होप अपने को कम से कम 50-60 के करीब हाइट तो मिल ही जाएगा। तो चलो तो भाई इसको हार्वेस्ट करने में लगभग मेरे को 20-25 सेकेंड लगे एंड हाइट मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो अभी इसका यहाँ पे पेटी है, पेटी के अंदर चेकआउट करते क्या है। ओके ट्रॉपीज है ब्रोंडोसॉरस की, आई मीन रीड की हड्डी, तो इसको लेके चलता हूँ मैं फटाफट से अपने बेस में। अब मेरे पास इतना सामान हो तो गया है कि मैं फर्नेस एंड स्पीति बना लूँ। तो चलो फटाफट से मैं एनग्रिम्स में चलता हूँ, सबसे पहले तो उनको अनलॉक करूँगा। एनग्रिम्स में फर्नेस किधर है ओके फर्नेस स्पीति अनलॉक कर दिया, मेटल की पिकैक्स भी हैचेट भी अनलॉक हो चुकी है और अब अपने को मेटल चाहिए। मेटल ढूंढने के लिए गाइस डेफिनेटली अपने को जाना पड़ेगा। अरे यार मेरे पास ना थोड़ा सा वुड नहीं है, तो मैं ऐसे करता हूँ ना यहाँ पे अपने फार्मर्स को देखता हूँ फार्मर्स किधर है। भाई फार्मर्स तो इधर यहाँ पे था एक नीचे, ओके वो रहा देखो अपना फार्मर। इससे जो है ना अपन लोग थोड़ा सा वुड वगैरह लेते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा लेंगे ठीक है। हाइट भी ले लेता हूँ मैं 700, थोड़ा सा फाइबर भी ले लेता हूँ। तो ठीक है यार जितना मेरे को चाहिए था वो मैं ले लिया हूँ एंड अभी हम लोग दोबारा से चलते हैं फटाफट से अपने बेस के पास में। एंड इस बारी का मेरा प्लान है मैं अपना बेस जो है ना वो टोटली ओपन रखने वाला हूँ, कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे बट अपन लोग जो है ना ओनली मज़े करेंगे इधर। तो भाई हम लोग यहाँ पे घर में तो आ गए,
एंड मुझे एक ना वुडन की फाउंडेशंस भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने बेड प्लेस किया था ना, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे एक फाउंडेशन में फर्नेस एंड स्पीति को प्लेस करेंगे। तो चलो यार, जितना मेरे पास मीट है ना वो मैं डालता हूँ फर्नेस में, क्योंकि अपने को भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है एंड अपने पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अपन लोग थोड़ा सा मीट वगैरह कुक करते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो वुडन की फाउंडेशन बनाया एंड उसके बाद जो है ना अपन लोग थोड़ा सा रिसोर्सेज वगैरह लेते हैं फर्नेस बनाने के लिए। स्टोन क्योंकि मैंने ऑलरेडी फार्म करके यहाँ पे बॉक्सेस में रखा हुआ था और आई होप इतना स्टोन से तो काम बन ही जाएगा। तो ठीक है, फटाफट से हम लोग जो है ना बनाने का ट्राई करते हैं। बट यहाँ पे जो है ना अपने को थोड़ा सा फ्लिंट चाहिए, तो मैं फटाफट से 5 फ्लिंट कलेक्ट करता हूँ एंड उसके बाद जो है ना हम लोग बनाते हैं फर्नेस। तो ओके यार, मेरे के पास लगभग 5 फ्लिंट मेरे को यहाँ पे से मिल चुका है एंड भूख भी इतना ज़्यादा लगा हुआ है ना यार, बर्दाश्त से बाहर है। तो चलो यार, यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना सबसे पहले तो फर्नेस बनाया एंड अभी मेरे को इसको प्लेस करना है। बट ये चिल्लाने लग गया, बोलने लगा भाई भूख लग रहा है, खाना दे दे। चलो ठीक है, फटाफट से मैं यहाँ पे से कुक्ड मीट निकालता हूँ, वो खाता हूँ, थोड़ा देर तक आराम तो अपने को मिल ही जाएगा। तो ठीक है, आराम मिल चुका है एंड लेट्स गो गाइस। फटाफट से यहाँ पे हम लोग उसको प्लेस करते हैं। कहाँ पे प्लेस करें, ऐसे करते हैं यहाँ पे सही रहेगा, कुछ इस तरीके से ऐसे करता हूँ ना, घुमा के ऐसे करते हैं ना प्लीज़। ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ पे रखनी है फर्नेस। मैं सोच रहा हूँ ऐसी जगह मैं रखूँ ना जहाँ पे अपना स्पीति भी आ जाए। ठीक है, स्पीति के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जगह है, तो अभी मेरे को देखना है स्पीति बनाने के लिए अपने को चाहिए क्या क्या। पर जितना एक्स्ट्रा मटेरियल है ना मैं डालता हूँ यहाँ पे। बट मेरे को एक ना मेटल था मेरे पास, लगभग 8 मेटल है, उसमें से अपने को 5 मेटल के इंगेट्स मिलेंगे। बट अभी भी अपने को 2 मेटल और चाहिए, क्योंकि स्पीति बनाने के लिए अपने को 5 मेटल चाहिए। दिखाता हूँ आपको, 20 लेवल में ही था ना। ओके, ये रहा लगभग 5 मेटल, 50 स्टोन, 30 वुड। तो मेरे पास लगभग सारा का सारा सामान है, बस एक मेटल इंगेट्स का कमी पड़ेगा अपने को। चलो यार, फटाफट से चलते हैं मेटल इंगेट्स कलेक्ट करके लाते हैं, इंगेट्स नहीं मेटल्स और। तो इससे ट्राई करता हूँ मे भी अपने को मेटल मिल जाए, 2 चाहिए ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद तो यार मे भी नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम लोग मेटल कलेक्ट करने के लिए जाएंगे। बट तब मैं एक काफ़ी अच्छा लेवल का ना पैरासोरस टेम करूँगा, जिस जो कि काफ़ी ज़्यादा मेटल वगैरह उठा ले। तो ठीक है, यहाँ पे मेरे को 2 मेटल तो मिला, चलते हैं फटाफट से मेल्ट करने के लिए डालेंगे। एंड उसके बाद जो है ना अपने को थोड़ा सा वुड फार्म करना है, कम से कम 30 वुड फार्म कर रहे हैं, क्योंकि अपने को ना स्पीति बनानी है, स्पीति के लिए अपने को वुड चाहिए। तो यार मेरे फार्मर्स तो यहाँ पे है नहीं, बट यहाँ पे अगल बगल में 2-4 ट्रीज़ हैं, तो इनसे अपन लोग वुड वगैरह तो कलेक्ट कर ही लेंगे। तो चलो यार, फटाफट से मैं जो है ना यहाँ पे से करता हूँ वुड कलेक्ट। एक ट्री को तो काट दिया पूरा, अभी दूसरे ट्री को कट करते हैं। तो ठीक है, आई थिंक अपने पास 30 वुड से ज़्यादा हो चुका है। तो चलो गाइस, फटाफट से अपन लोग ना करते हैं स्पीति क्राफ्ट। यहीं पे प्लेस करूंगा आई थिंक। मेटल इंगेट्स मेल्ट हो गए होंगे ना, मेटल इंगेट्स। ओके, लगभग मेरे पास 5 मेटल इंगेट्स हो चुके हैं, तो लेट्स गो, फटाफट से इसको लेता हूँ अपने इन्वेंट्री में एंड फटाक से क्राफ्ट करते हैं स्पीति। ठीक है, स्पीति भी क्राफ्ट हो चुका है, बट अभी मेरे को इसको यहाँ पे प्लेस करना है। देखते हैं प्लेस होता है या नहीं होता, वैसे हो तो जाएगा, बट यार जगह कम है, मुझे थोड़ा सा डाउट है, मे बी ना हो। ओके, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ठीक है, यहाँ पे अपना आ चुका है स्पीति, मोर्टार एंड पिस्टल, फर्नेस, और अभी अपने को क्या चाहिए, बट जितना भी मेरे पास एक्स्ट्रा मटेरियल है ना वो मैं यहाँ पे रखता हूँ। अब मेरे को चाहिए मेटल, मेटल जब अपने को मिलेगा ना तो अपन लोग तब अपने के लिए मेटल के पिकेक्स और मेटल के हैचेट्स बना सकते हैं। यार मेरे को अभी स्पाई ग्लासेस भी बनाना है, तो एक बारी मेरे को ग्रिफिन माउंटेंस या फिर ये बगल वाला माउंटेंस देख रहे हो आप, उधर जाना पड़ेगा, बट वो हम लोग बाद में करेंगे। एंड अभी मेरे को ना अपने के लिए हाइड के आर्मर बनाने, तो मेरे को थोड़ा सा हाइड वगैरह चाहिए। वो हाइड जो हम लोगों ने ब्रोंडोसॉरस को मार के कलेक्ट किया था वो तो यार ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, तो फटाफट से अपन लोग जो है ना इसको मारने का ट्राई करते हैं। वैसे इसका लेवल कितना होगा आई डोंट नो, आ रहा है मेरे पास, मारता हूँ इसको। भाई ये कुछ ज़्यादा अंदर घुस गया, आई थिंक नहीं लगेगा, नहीं लगा, ये जमीन में अटक गया। अब लगा ना, ठीक है,
करता हूँ, सही रहेगा। आई थिंक गाइस ये घूमने लगा है एंड मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये भागने का ट्राई करेगा यहाँ पर से। कैसे कर तो मैं यहाँ पर से नीचे आ गया। अभी यार यहाँ से तो वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, ऊपर ही ठीक था। चलो यहाँ पर से मैं नीचे जाने का ट्राई करूँ, बट यार अगर नीचे गया ना तो बचना इम्पॉसिबल हो जाएगा। चलो इसमें मार दें, इसकी पूछ में नहीं लगा। यहाँ पर से मेरे को इसका चेहरा तो दिखने लगा है, तो चेहरा में बचाते पलो। बट ये यहाँ पर से भाग रहा है। आई थिंक गाइस इसका हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम है तो ये भागने लगा। बट मैं जितने एरोज मार सकता हूँ मारता हूँ इसको। फिर आया, मुड़ रहा था, नहीं अब भाग रहा है, इसका हेल्थ कम है। तो चलो यार फटाफट से मैं नीचे चलता हूँ, मारने का ट्राई करूँगा। बट यार यहाँ पर से मैं कूदा ना तो हेल्थ कम होगा अपना। बट मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर से मैं ऊपर भी नहीं जा पाऊँगा, नीचे चलते हैं भाई। चलो ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ है, 50% हेल्थ तो कम हो गया, बट इसको मारते हैं। और मैंने वहाँ पे देखा नहीं था कि मेरा एरोज वगैरह खत्म हुए, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फार्म वगैरह कर रहा था अपने के लिए एरोज। बट यहाँ पे देखो यार कितनी सारी कॉम्पीज अपने पीछे पड़ चुकी है। मैंने कहा फटाफट से अपने के लिए एरोज बनाता हूँ। ओके 24 एरोज बन जाएंगे। सबसे पहले तो कॉम्पीज को मारा, वैसे भी मेरा हेल्थ जो है ना काफ़ी ज़्यादा कम है। जब मैं ऊपर से कूदा था एक कॉम्पीज गया, दूसरा भी गया, अभी दो और हैं इधर, तीन दो हैं, दो ठीक है, ये भी गया। ये इसका हेल्थ ज़्यादा था, 250 हेल्थ था। चल भाई निकल। तो ठीक है गाइज, यहाँ पे हम लोगों ने चार कॉम्पीज को मारा। मैं उसको देखने जा रहा था, वो दिखा नहीं, तो मैंने कहा यहाँ पे हम लोगों ने कॉम्पीज को मारा तो इनसे हाइट वगैरह तो ले ही लेते, चार पांच हाइट मिल जाएगा एक कॉम्पीज से। तो चलो यार कॉम्पीज को हम लोगों ने हार्वेस्ट किया और मैं यहाँ पे आया दोबारा से, बट वो मेरे को यहाँ पे दिखा ही नहीं। मैं समझा यहाँ पे से वो भाग चुका है। ओके मेरे को एक ब्रोंडोसॉरस दिखा, बट मैं थोड़ा सा डाउट में था क्योंकि अपना वाला तो ब्लू कलर का था, ये तो साला ब्लैक कलर का है। ओके ये रहा ना। तो मैं ऐसा करता हूँ गाइस, सबसे पहले तो इसका लेवल चेकआउट करता हूँ, और मेरे को भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है, तो यार अभी अपने को बेस जाना पड़ेगा, खाना वगैरह खा के फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं। 20 लेवल का है, 4000 हेल्थ है, हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलो यार फटाफट से घर चलते, खाना वगैरह खाते फिर आते हैं। तो भाई यहाँ पे मैं आया दोबारा सा, देख रहा था इसको कहाँ से मारूँ, बट यहाँ पे हम लोग मारने लगे इसको। एंड ये जो है ना कहते चौड़ चौड़ में आ रहा है अपने ऊपर अटैक करने के लिए, उसे क्या पता, टाइप तो गया। ये देखो बस गया, ये नहीं मार पाएगा अभी अपने को। तो यार जैसे इसका हेल्थ कम होने लगा तो देखो ये भी यहाँ पे से भागने लगा। मैंने कहा यार ये तो भागने लगा है, मे भी ये नीचे जाऊंगा, क्या पता ये अपने तरफ आएगा। अच्छा मुझे नहीं लगता ये अपने तरफ आएगा क्योंकि वो वाला प्रोटोसोरस भी भागा था एंड ये वाला भी भागा। पिछला वाला तो यार पत्थरों के बीच में फंस चुका था, तो उसको भागने की कहीं ज़रूरत पड़ा नहीं। तो मैंने कहा भाई इस तरीके से तो अपन लोग छोड़ेंगे नहीं, अगर 400-500 हेल्थ होगी तो हम लोग इच्छुतोसोरस से पानी में इजीली मार देंगे। फिर भी मैं यहाँ तक ट्राई कर रहा था इसको मार पाऊँ, बट यार ये कुछ ज़्यादा ही गहरा पानी में चले गया। छोड़ो ऐसे करते हैं ना, फटाफट चलते अपनी इच्छुतोसोरस में एंड मारने का ट्राई करते हैं इसको। मेरा इच्छुतोसोरस नीचे है। ओ फार्मर, थोड़ा सा मेरे को थैच एंड वो चाहिए फाइबर। तो ठीक है चलो। फिर क्या था यार, मैं फटाफट से अपनी इच्छुतोसोरस में बैठा और निकल गया यहाँ पे ब्रोंडोसोरस को ढूंढने के लिए। एंड यहाँ पे देखो 200 की हेल्थ लेके भागा एक, बट अब कहाँ बचेगा रे। एक मारा, फटाफट से मैं इसको हार्वेस्ट करता हूँ एंड दूसरे का हेल्थ भी चेकआउट करूँगा वो कितनी हेल्थ लेके भागा था। भाई ये 304 हेल्थ में यहाँ पर पहुँचा हुआ है, बट कोई टेंशन नहीं। चलो यार हम लोगों ने फाइनली दोनों ब्रोंडोसोरस को मार दिया है एंड आई थिंक अपने पास हाइट वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका होगा। एंड अब मुझे लगता है मैं अपने के लिए हाइट का आर्मर तो ईजिली बना लूँगा, बट उससे पहले यार मेरे को लगभग 2x गेन चाहिए, तो मुझे एक्सप्लोर नोट ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं अपने बेस के क्लोज, यहाँ पे देखेंगे अपना को एक्सप्लोर नोट कहाँ पे मिल रहा है।
तो ठीक है, फटाफट से एक्सप्लोर नोट ढूंढते हैं। लगभग 1200 मीटर देखता हूँ। अरे यार ये तो कार्नो आइसलैंड में, चलो चलते हैं देख के आते हैं कार्नो आइसलैंड का क्या हाल चाल है। बट यार वहाँ पे जैसी मैं गया ना, मैंने वहाँ पे भाई रैप्टर्स देखे, कार्नो देखा, तो मैंने प्लान चेंज किया। उसके बाद मेरे को एक और एक्सप्लोर नोट मिला यहाँ पे, तो मैं गया वहाँ पे एंड फटाफट से ढूंढते हैं यार इधर ही है, 100 मीटर पास में ही है। बट यहाँ पे मेरे को डेंजरस का साइन आ रहा है, तो अरे भाई रैक्स है भाई, यहाँ पे भागना पड़ेगा, भाग भाई यहाँ पे से, रैक्स था वहाँ पे, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। चलो ठीक है, आई थिंक इस पत्थर के आसपास में ही है, ढूंढता हूँ। नहीं है यहाँ पे, ओके ये रहा। चलो भाई इसको ओपन करो। तो ठीक है यार, यहाँ पे हम लोगों ने ओपन कर दिया है। हाइट के आर्मर को अनलॉक करना होगा अपने इनग्रिम्स में, उसके बाद हम लोग बनाकर एक्विप करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने सारे के सारे आर्मर इक्विप बनाने के लिए क्राफ्टिंग लगा दी हैं, बस अब क्राफ्ट होने दो, उसके बाद एक एक करके हम लोग सारा का सारा इक्विप कर लेंगे। सबसे पहले तो ये परसूट का मिशन जो है ना वो ओपन करता हूँ। तो ठीक है यार, यहाँ पे अपना सारा का सारा आर्मर बन के रेडी हो चुका है, तो फटाक से जो है ना अपन लोग अपने आर्मर इक्विप करते हैं एंड उसके बाद देखते हैं अपने को कम से कम एक लेवल एक्स तो मिलना चाहिए। तो फाइनली यार हो गया। चलो अभी किधर चलें, ऐसे करते हैं ना बेस में चलते हैं, यार रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर अभी सर्वाइव करना सही रहेगा। फटाफट से चलते हैं अपने चतुसौरस में एंड उसके बाद हम लोग चलेंगे घर भाई रैक्स से पास में। मैं सोचा फटाफट से यहाँ पे चलता हूँ चतुसौरस में, बैठता हूँ और भगता हूँ यहाँ पे, लेट्स गो चलते हैं बेस। तो यार काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद मुझे कम से कम 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा यहाँ पे से। तो फाइनली यार यहाँ पे हम लोग बेस पे पहुँच चुके हैं, फटाफट से हम लोग सोते हैं एंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही यार। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना मत भूलना। तो बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी जल्दी आएगा जिसमें हम लोग जाएंगे मेटल को ढूंढने के लिए। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर योर लवली सपोर्ट, बाय बाय।